check the mic and make sure it sound right, boys. Hey people, we are at Sanchi Stoop right now and we gonna see the masterpiece of Buddhist architecture. अभी हम parking area में हैं और यहाँ से आपको enter करने के लिए ticket लेना पड़ता है जो कि online ही generate हो जाता है. Per adult का ticket 35 rupees each है और वो आप यहाँ पे QR है उसे scan करके आप archaeological site की जो website है उस पर आप ticket generate कर सकते हैं अपना और फिर enter कर सकते हैं. I am here right now, बस मैंने अभी अपना ticket generate किया है और अभी अपन चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा क्या है स्ट्रक्चर. मीनवाइल आई फाउंड अ फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर रुक गया. डोगो छुप, डोगो थोड़ा सा डरपोक सा है. लेट्स गो इनसाइड. सारे बच्चे हैं यहाँ पर और क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर स्कूल ट्रिप्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं और इतना बड़ा चैप्टर है ये हिस्ट्री का, सो इट्स बेटर टू सी इट इन द पर्सन देन टू रीड इट इन द बुक्स. तो एक अच्छी चीज़ है. और यूँ भी आप वीकेंड्स पे आओगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पर भीड़ दिख जाएगी. आसपास के लोग मैक्सिमम यहाँ पर आते रहते हैं. वाइल एंटरिंग चेकिंग पे उन्होंने मुझे ट्राईपॉड अलाउ नहीं किया क्योंकि अपेरेंटली प्रोफेशनल फोटोज़ आप नहीं यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. वे ट्राईपॉड मतलब प्रोफेशनल होता है, विदाउट ट्राईपॉड कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरा हाथ अभी मेरा ट्राईपॉड है और यहाँ से आपको दिखना चालू हो जाते हैं स्टोन स्ट्रक्चर्स. और सामने जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा वाला स्तूप है. तो पहले मैं आपको उसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ. सांची स्तूप का जो मेन स्तूप है, जो सबसे पहला स्तूप बना था, वो बनाया था सम्राट अशोक ने. सम्राट अशोक का जो सांची है वो ससुराल था और जब वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए तब उन्होंने ये बुद्ध के रेलिक्स पे इस स्तूप को बनवाया था. ये स्तूप 16.5 meter हाइट का है और 36.5 meter इसका डायामीटर है. ये इंडिया का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है और बहुत सारी इसमें ऐसी डिटेल्स हैं जिसका बहुत ही डीप मीनिंग और सिग्निफिकेंस है. ये जो गेटवे है इसे तोरण कहा जाता है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्तूप का. इस तोरण में बहुत सारी डिटेलिंग्स करी हुई है और बहुत छोटे छोटे साइंस और बहुत डिटेल्स में इसमें साइंस हैं जिसमें बुद्ध की पूरी लाइफ स्टोरी लिखी हुई है और बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से इसे बनाया गया है इस तोरण को. ये स्तूपा का एंट्रेंस है और अब जैसे एंटर करते हो ना आपको एक ग्रैंड स्ट्रक्चर दिखता है. ये जो मेन स्तूपा है ये 3rd century BC से लेके 12th century AD तक का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से ये जो पहला वाला है ये सबसे ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा बड़ा भी यही वाला है. सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस भी इसी स्तूप का है और आर्किटेक्चरल ब्यूटी में ऑब्वियसली यह स्तूप को बीट करता है. ये जो पहला स्तूपा है इट्स कॉल्ड द ग्रेट स्तूपा और इसके 4 gateways हैं जिसे तोरण कहते हैं.
उन तोरंस पे अलग अलग इंक्रिप्शन है, जो इंक्रिप्शन बुद्धा की अलग अलग लाइफ को बताते हैं, उनकी अलग अलग लाइफ की स्टोरीज को बताते हैं। फॉर एग्जांपल जो ईस्टर्न वाला गेटवे है वो बुद्धा के यंग डेज को बताता है, जब वो एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे थे, तो उस स्टोरी को उन्होंने फर्स्ट वाले ईस्टर्न वाले जो गेटवे है उस पर मेंशन कर रखा है। सिमिलरली वेस्टर्न जो गेटवे है उसमें 7 इनकारनेशन ऑफ बुद्धा को मेंशन करा हुआ है, नॉर्दर्न वाला जो गेट है उसमें व्हील ऑफ लाइफ को मेंशन करा हुआ है, और जो सदर्न वाला गेट है उस पर बुद्धा के बर्थ को मेंशन कर रखा है। तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग और इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस, वो भी उस टाइम पर जब वो बना था, इतना सब कुछ डाल रखा है उन्होंने इस स्तूपा के सिर्फ गेट्स पे, जो कि इसे खास बनाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो ग्रेट स्तूपा है इसके अंदर बुद्धा के रूइंस हैं। बाकी एक सर्वे के बाद और यहाँ पर जब सर्च करा गया तो अंदर कोई रूइंस नहीं मिले, इसलिए फिर यहाँ पर लोगों ने पूजा करना चालू कर दी, मंक्स ने यहाँ पर पूजा करना चालू कर दी। इस स्तूप को बनाने वाले सम्राट अशोक की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सम्राट अशोक उज्जैनी के गवर्नर हुआ करते थे और उनकी वाइफ देवी विदिशा के एक मर्चेंट की डॉटर थी। उनके दो बच्चे थे, महिंद्रा और संगमित्रा। महिंद्रा और संगमित्रा श्रीलंका गए, जहाँ जाकर उन्होंने बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त करी, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने किंग को, क्वीन को और दूसरे लोगों को भी बुद्धिज्म की शिक्षा दी और उन्हें कन्वर्ट किया। उसके बाद सम्राट अशोक भी बुद्धिज़्म को अपना लिया और फिर उन्होंने वायलेंस का रास्ता छोड़कर नॉन वायलेंस को अपना लिया। यहाँ पर आपको ग्रेट स्तूपा के अलावा बहुत सारा एंशियंट आर्किटेक्चर और दिख जाएगा, जैसे कि ये पीछे जो और स्तूप बने हुए हैं ये, इसके अलावा यहाँ पर एक ये पुराना पौंड है और आगे स्टोन केबिन्स। यहाँ पर आपको इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकन स्ट्रक्चर्स और एंशियंट स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, जो कि कुछ मंदिर के शेप में हैं, कुछ स्तूपा हैं, कुछ अधूरे स्तूपा हैं, कुछ पिलर्स हैं। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जब यहाँ पर घूमते हो ना, तो आपको बहुत सारे साइन हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है कि आपको पूरा जो डिटेल्स है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बोर्ड्स पे से देख सकते हो, जैसे तोरण का है। यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल्स दे रखी है कि किस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड कि आप क्या देख रहे हो और उस चीज़ का क्या मतलब है। ये एक एंशियंट टेम्पल साइट है, जो कि सारे पिलर्स पे खड़ा हुआ एक स्क्वायर रूम हुआ करता था। आप इसके पिलर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन पिलर्स में आपको यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस दिखेंगी, जो कि आपको महाराष्ट्र के अजंता एलोरा केव्स की गुफाओं में भी दिखती है। अब क्योंकि वो भी बुद्धिस्ट केव्स है, तो सिमिलर डिज़ाइंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का टेंपल है, आप इसमें देख सकते हो कि पूरा स्टोन वर्क यूज्ड है, और ये पूरा टेंपल जो है ये फ्लैट रूफ पे 4 पिलर पे खड़ा हुआ है। अंदर कोई डाइटी नहीं है, सेंटम पे हम जा सकते हैं, पर ये पूरा फ्लैट रूफ पे 4 पिलर पे खड़ा हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू सी हियर इज सिमेट्री। ये एक 7th और 8th सेंचुरी का बुद्धिस्ट टेंपल और मॉनेस्ट्री है। आप इसके गेट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टैचूज और आपको बहुत सारे
ऐसे साइंस दिखेंगे जिससे आपको पता चलता है कि बुद्धिज्म कितना कनेक्टेड है ब्राह्मणिकल साइंस से। दिस इज़ द अनादर टेम्पल साइट। और जब आप यहाँ के टेम्पल्स देखते हो ना, पुराने आर्किटेक्चर्स, एंशियंट टेम्पल्स, तो फिर आपको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म कितने डीपली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और कितनी सिमिलर है उनकी आइडियालॉजी। यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल जो आर्किटेक्चर्स हैं उसमें हिडन डिटेल्स हैं, ईस्टर एग्स हैं। तो इफ़ यू लव कैचिंग दीज डिटेल्स, मतलब आपने देखा अगर ध्यान नहीं दिया तो वो डिटेल्स मिस हो जाएंगी, ऐसी डिटेल्स, तो दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर यू। ये थर्ड स्तूप है, ये बिल्कुल फर्स्ट जैसा है दिखने में, मतलब सेम डिज़ाइन है, नॉट बाय डायमेंशन, बट डिफरेंस इज कि यहाँ पर ऊपर एक अम्ब्रेला लगा हुआ है, वेयर एज जो मेन वाला स्तंभ है उसके ऊपर तीन अम्ब्रेलाज हैं। तो इसका अपने आप में एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इस वाले स्तूप के अंदर बुद्ध के जो दो प्रमुख शिष्य थे उनके रूइंस मिले हैं, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टोन वर्क है। वी आर इनसाइड द एंशिएंट स्कूल राइट नाउ। ये पुराना एक क्लासरूम्स हुआ करते थे यहाँ पर, जहाँ पर लोग मेनली बुद्धिज़्म की और उसके अलावा और भी बहुत सारी टीचिंग्स लेते थे इधर बैठकर। टाइम टू गो बैक एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस। करीब 2 से 2.5 घंटे लगे हमें, और इतना ही टाइम लगना चाहिए अगर आप पूरा डिटेल्स में इसको समझना चाहते हो। अगर जल्दी जल्दी करना है तो फिर तो 1/2 घंटे में भी आप फ्री हो सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। बट अगर आप हर चीज़ को देखते हो तो आप 2.5 आवर्स मान के चलो करीबन उतना लगेगा, बट जो आप टाइम यहाँ पर स्पेंड करोगे वो टोटली वर्थ है। इसके पास में उदयगिरी केव्स भी हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो। आई एम गोइंग डाउन, जो कि है पुरानी स्टेयर्स हुआ करती थी इस टाइम की, तो मैं आया उस रोड से था, जा रहा हूँ उस स्टेयर्स से, और देखते हैं इसके बाद नीचे उतर के अगर टाइम रहा तो उदयगिरी भी चले जाएंगे, केव्स देख के आएंगे। मीनवाइल इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसको शेयर वेयर कर दो, और स्टे ट्यून्ड।